हाय गाइस, वेलकम टू नमाम ब्लॉग। चलिए अल्लाह ताला के पाक नाम करम और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको को ईद मुबारक। आज दिन है ईद का, ईद उल फितर, ईद उल सही, तो उसकी तैयारियों में सब लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि आज का ब्लॉग की शुरुआत कर ली जाए। तो अब भी सीन कुछ ऐसा है कि नहा धोकर फारग हो गया हूँ, हवाएँ ठंडी ठंडी चल रही हैं, फिर कपड़े चेंज करने और फिर नमाज की तरफ रवाना हो जाना है। नमाज में अभी 1.5 घंटा बाकी है, तो तब तक खाना पीना हो जाएगा। पहले था कि रोज़ा था और बर्दाश्त भी थी, सब्र भी थी, इतनी भूख नहीं लगती, मगर अब महसूस हो रही है भूख। तो अभी ये ना मिलेगा आज, वो मुसलमान ईद जो करेंगे वो एक किस्म का रिजल्ट है, उसमें नमाज से नवाजा जाता है और वो नमाज़ पढ़ने हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हवाएं चल रही है सुबह सुबह, ये देखें बड़ा खूबसूरत सा माहौल हुआ हुआ, सूरज भी आज फरूज पर है और बड़े सुकून के साथ और नूर के साथ चमका हुआ है। और इधर हवाएं को नूर हो रही हैं, हर तरफ ठंडी ठंड है। नमाज पढ़ने ही मज़ा आएगा ईद गुजारने में आज, तो चले देखते हैं स्टेडियम के कैसी ईद। मलिक मोहसिन 300 200 टाइम हो गया वहाँ खड़े हुए। इधरली साइड ते धुप्पा नमाज बड़े ईद मुबारक। ईद की नमाज हो गई है और भले था ईद मुबारक। तुम जा रहे हैं घर की तरफ, रिश्तेदार मेड़ मुड़े सड़क बदला के जा रहे हैं, बदला के तो सुनना था अपने अभी, तो अभी अपने मोहल्ले से आएंगे, क्योंकि मोहल्ले के सामने अब दादा जाना तय जाने का मोहल्ला है, उसको जा रहे हैं जाते जाते वहाँ से मिलते जाते हैं, क्योंकि ईद के दिन मिलना चाहिए और चेहरे पर मुस्कुराहट और अपने से मिलना ये भी सुनना था और अपने नबी की सुनत को हमें फॉलो करना। तो अभी इससे मिलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ईद मुबारक। फोटो बना ली है मामा, खब्बे पासो केड़ी मिलदी हो रे ई जफी बाग मिली दी है। आए ओए ईद मुबारक चोई साहब। ईद मुबारक। हां जी मिलकर अब आ गए हैं घर की तरह, रिलेटिव से कुछ मिल लिया, कुछ रह गए हैं तो जो रह गए हैं उससे अभी कुछ अच्छे मिलते हैं। सूरज अभी फ्रेश फ्रेश है, अब सबकी तस्वीरें आ रही हैं तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम भी तस्वीरें खींचे। तो इसलिए तस्वीरें खींचने के लिए इस नीलो नील आसमान के साथ हम तस्वीरें खींचने। अब मेरा कैमरा मैन भज गया, अब मेरा कैमरामैन सेवियां डिलीवर करन गया वा, तो मैं कोठे ही जड़े हाँ। लो जी 3 साल बाद मेरा कैमरामैन मुड़े आया, हम बहुत खुशी। अरे ये तोहफे आए हैं, एक तेरिया फोटो खिंची है, असी एडिट करिए तो रोब तेरा मुकदा ही नहीं है। चल है लो जी, फोटो सेक्शन हो गया खत्म, अभी जा रहे हैं नीचे और देखते हैं उसके बाद क्या सूरत है। मीना मिल लो ये सवारी पहली चढ़ गए ने, दोबारा वो भाई तू तो राह ही बदल लिया।
ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮੋਲ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਹੀ ਸੁਰਤਾਲ ਫੇਲਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ वालेकुम सलाम ईद मुबारक खैर हाँ देखो ये हाल इन किसी ने क्या कुड़िया नहीं फस दी क्या गोलगप्पे बहुत भाई सुनी जा रहे गोलगप्पे खा अच्छा मिर्च पा मामा लोगों ने शुगर करवानी है फुल एच डी फुल एच डी छापर बिच होने छापर बिच होने और ठीक है यार दूजे मैच वाली है पैसे लगे यार मेन उन्हें चप्पल लाई थी लो जी फिलहाल आ गए हैं कब्रस्तान तुम भी कहने चंगा बंदा कब्रस्तान आ गए ब्लॉग बना नहीं हटता पर साडा कहते इंटेंशन वह नहीं है गलत मकसद नहीं है ये कहते ईद वाले दिन इन्होंने मिल लेना चाहिए क्योंकि ये भी हमारा इंतजार करते हैं जैसे हमें इंतजार होता है कि हमारे मिलने आएंगे तो ये भी हमारा इंतजार करते हैं कि हमारे अपने मिलने आएंगे तो इनसे भी क्योंकि इसमें यहाँ पर भी हमारे वही होते हैं जिनसे दिलो जान लगाई जाती है तो अभी इनसे मिलते हैं और आपसे मिलते हैं बात नहीं नहीं जहाज को रोकना तो ही हाँ सही है मामा हुण दुपहर हो गई सारी दुपहर हो गई मैं रात कहनी थी दुपहर कह सुनाओ भाई जे तू चाड़ी यूट्यूब ते मैं कहता ताबेदार मैं जानी जानी कोवे बना के और भाई दांत पाग ला दे लो भाई अच्छा खांदे होए ते बनानी है मैं कहता ताबेदार पर इनु हां फ्रेम खाली कर मुंडे तस्वीर वीडियो बनानी की चल यार आलो भाई लो साज चलासदार न्याणे भी खांदे मसाला वाला तेरा दिल तेरे नाल तेरा कॉन्फिडेंस लो हो जांदा और भाई और कोई साडे लायक ओके सर इधर मिल लिए थे इतराज ही नहीं मुकते मम्मी रहा वा इस बंदे का हाल देख लो घंटे बाद कहना अच्छा भाई मिलते हैं ईद बार ईद मुबारक ओ खैर मुबारक वालेकुम सलाम ईद मुबारक खैर मुबारक हाँ देखो ये हाल इन किसी ने क्या कुड़िया नहीं फस दी कहते गोलगप्पे बहुत भाई सुनी जा रहे गोलगप्पे खा अच्छा मिर्च पा मामा लोगों ने शुगर करवानी है फुल एच डी फुल एच डी छापर बिच होने छापर बिच होने और ठीक है यार लो जी नजारे लो नागरे बोलते वारा गर्दी करते हैं लो ये बारा करती हो रही है घंटा हो गया तीन चार ब्लॉग नहीं बनाया मैं चलो आप ही उधर टुके टुके फिर फिर के आ गया हम वापस अपने अड्डे से आए मैं इतने ब्लॉग बना दूंगा वीडियो बनाऊंगा नहीं नहीं वो गाल नहीं कही थी लो ही आ गए बोतल से हां टुके पर ये देसी कैफे है वहां से लेनी है ये बंदा कहता है यहां पर पीना मैं चलो बोतल ही पीनी है एंजॉय करना पेंडू देसी माहौल है इतने रोक के हर शायद अपनी
ਤੁਮੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਪੜਦਾ ਮੋਹਲਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤੇ ਬਾਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਚੁੰਮਣਾ ਹੱਕ ਸੋ ਅਭੀ ਬੋਤਲ ਪੀਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਸੇ ਮਿਲਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਰਾਤ ਦਾ ਆ ਬੰਦਾ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪੈਸੇ ਭਾਂ ਕੀ ਸ਼ਵਾਰ ਮੇ ਖਾਣੇ ਕੋ ਕਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਖਾਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਯਾਰ ਬੜਾ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ਵਾਰ ਜੇ ਫੜ ਲਿਆ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਪੈਸੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਫੁੱਟ ਗਏ ਆ ਭਾਈ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਭਾਂਡੇ ਧੋਰਾਂਗੇ तू हाथ च फड़ाओ जरूर फड़ने तू होर दे तेन कह पैसे लैके आ पैसे लैगना घरों कपड़ा चक लिया सड़क बिछा लेना चार और थुक ला लें खाली ढिड खाने रज के नहीं खाने बलॉगर इस टाइम गरीब बलॉगर सस्ता वा भाई बड़े दिन चल अस फिर कहना सुला नहीं मार मुर्गी जिंदा कौन पा वा मार के जीवा करके पी मुर्गी जो साचा वा नु इदी तू हां चल लो जी वेट इज ओवर मुंडा जान ते खेल के आज ले के आया आज हैगा दिन ईद दा सूरत हाल कुछ ऐसी है के रश ही रश पड़ा हुआ हर तरफ से रश अदला उना खा लिए मुंह पानी आ खाने के बाद मिल गया
कोई नहीं नाभू चुंबन गए ध्यान अद चेक कर तेरा शवारमा लीक नहीं नहीं तेरा शवारमा लीक भरा इन पेंचर लवा या इन पैंप लवा बहुत बड़ा हो गया बड़ा शायद फ्लो उम्मीद कर कल होगा फिर ओके बाय उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया तो लाइक करें चैनल पर नया सब्सक्राइब करें जब तक आते नहीं वापस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।